पिताजी इंदौर सभी का कुशल अच्छा है क्या नहीं? खुशी में है नगर मोहबा क्या नहीं? तू अपनी चाचा पाजी उदल को नाम मतलब मेरे सामने में क्या उसके नाम लेने से मेरे रगों का खून दौड़ने लगता है। कैसे बात आप आज करते हैं? मेरे चाचा को आप पाजी बोलते हैं, आपको एक बात का याद है? जिस दिन मारे पैदा लिया नगर होबा में छा कोरा कागज पे छाप को लगाया क्यों नहीं? आपने कोरा कागज पे छाप लगा दिया कि आज से ए बेटा आल्हा का और सोना का नहीं है, ए बेटा है तो फुला का है और फुला का है। और आज मेरे सामने आप ऐसे बात कैसे करते हैं? सबसे पहले तुम अपने चाचा को करनामा सुनो। बोलिए। पाजी उदल ने आधी रात्रि में 12 बजे को तेरी माँ सोना की पलंग पे गाया पाजी ने, तो क्या हुआ? तेरी माँ ने नागिन सोना तेरा विद्या निधान है कौन है? उसने शराब को दिया पाजी को, बदन बदन में कुश्ती को फूट गया। और मैंने पाजी को बदन को चाम को छोड़ा लिया और निकाला को कर दिया नगर मोहबा से। पिताजी बोलो, एक गलत बात है। क्या गलत बात है? उधर ले क्या हो, गलत बात नहीं है। जिस दिन नगर नाना का अंदर में 6 महीना लो शिवपुर मंदिर में गाल गुलाबी चले पिता हमारा मैया ओ ठप्पे लाली चले मैया के, उस दिन बुरा दिन नजर से नहीं देखा। आ बुढ़िया ये चाम के कैसे देख लगी होगी, सुनना चाहता। अरे क्या अपने माँ के भवन में आपने विश्वास कैसे कर लिया? आराम को करो इंदौर, तेरी माँ ने नागिन सोना ने तेरे कसम खा के कहा मुझसे, तो मैं कैसे विश्वास नहीं करूं?
पिताजी बोलो। आप मेरे माँ को नहीं जानती है। मैं जानता हूँ। क्या नैना में एक चुटकी सिंदूर के कारण सबको खा गया। सब मुझे मालूम है। मेरे कसम खाने से क्या होगा? आपको कसम या दुनिया को कसम खाने से उन्हें क्या होगा? आप तो मर नहीं सकता है, आप तो अम्र है। और एक इंदल मर जाएगा तो सौ नहीं, नहीं ये नहीं हो सकता। इंदल, कोई माँ अपनी बेटा को कसम कभी नहीं झूठ में खा सकता है। यही सही है पाजी। इंदल पाजी है, पाजी है, पाजी है। कारण पागल हो गया है। बंद कर उसे, कारागार में डाल दो पाजी को। अपने आप दिमाग ठकेना आ जाएगा। बंद हो।